झारखंड में विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी सफलता के बाद कांग्रेस अब संगठन स्तर पर खुद को मजबूत करने में जुटेगी, जिसके लिए पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। वही अभियान की शुरुआत प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे को दोबारा इस अभियान का प्रभारी बनाया है और उन्होंने कहा है कि इस बार का अभियान बदली परिस्थितियों में होगा। तैयारी हो रही है और इसकी लॉन्चिंग जो है वो अच्छे तरीके से होगी। पूरे राज्य के लोगों को बुला रहा है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे झारखंड के प्रभारी आरपीएन सिंह जी मौजूद रहेंगे, उमंग सिंघार जी रहेंगे, अजय शर्मा जी रहेंगे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहेंगे, विधायक दल नेता रहेंगे। तो इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है, फॉर्म वगैरह हो गए हैं और चूंकि ये सदस्यता जो है वो बड़े पैमाने पर होना है, एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। वहीं कांग्रेस इस अभियान को इस बार जोर शोर से चलाएगी, जिसके लिए पार्टी रणनीति बनाने में जुट गई है। वहीं पिछली बार जब सदस्यता अभियान चला था तब बड़े नेताओं ने इसमें खासी रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन इस बार के सदस्यता अभियान पर प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी की तरह मिस कॉल करके सदस्य नहीं बनाएगी, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष हो या सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्री, सब जमीनी स्तर पर अभियान चलाएंगे, जिसके तहत घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जाएगा। सत्ता जो है वो बड़े पैमाने पर होना है, एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है और वो मिस कॉल करके नहीं बनाना है, फॉर्म भर के बनाना है। तो इसकी पूरी तैयारी चल रही है, बहुत जल्द जो है हम लोग सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। मुझे लगता है कि अंत अंत तक जो है हम लोग ये मंत्रिमंडल के गठन के बाद हम लोग शुरू करें। वहीं कांग्रेस की सदस्यता अभियान बीजेपी की तरह मिस कॉल करके नहीं बनाई जाएगी। इस बात पर बीजेपी ने कांग्रेस पर व्यंग किया है और कहा है कि हमने तो सदस्यता मिस कॉल करके की है, जबकि महागठबंधन की सरकार तो ट्विटर पर चल रही है। देखिए कितना आंतरिक विरोध है इनके बयान में। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मिस कॉल करके सदस्य बनाया था, हम उस परिपाटी पे नहीं चलेंगे। हमने सिर्फ मिस कॉल करके डेटा इकट्ठा किया था, फिर जाकर उस व्यक्ति से जिसके नंबर से मिस कॉल आया था उसको हमने व्यक्तिगत रूप से उससे मिलकर सदस्य बनाया था। लेकिन आज जो लोग कहते थे कि मिस कॉल से वो सदस्य बनाने की परंपरा को तोड़ेंगे, आज उनकी पूरी सरकार दिल्ली में जमी हुई है और पूरी सरकार ट्विटर पे चल रही है, यानी वर्चुअल दुनिया से उनकी सरकार चल रही है और वो मिस कॉल से सदस्य बनाने का विरोध करते हैं। तो ये जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है कांग्रेस के बयान में, ये साफ दिखता है। वहीं अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए ये अभियान एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि कांग्रेस पहली बार रूलिंग पार्टी के नाते अपना सदस्यता अभियान चलाएगी। ऐसे में परीक्षा उन बड़े नेताओं, सांसदों और विधायकों की भी होगी कि ये कितने सदस्य बनाने में सफल होते हैं।